तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। मल राम राम जी, मैं आया हूँ ऑटो यूनिक पे आज। तो कृष्णा भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया, शांत। चलो, एसेसरीज से सही रिस्पांस आया था? जी भैया, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। सबसे बड़ी बात है आपकी वीडियो जाए और रिस्पांस ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हमने ही शूट करी थी ना एसेसरीज की। बिल्कुल। चलिए, आज जो है अपने पास ब्रेजा VXI वेरियंट है ना, सेकेंड बेस बोल सकते हैं इसे, है ना। तो कृष्णा भैया, क्या क्या करा है इसमें, और वो भी बता दीजिएगा कि क्या क्या कर सकते थे हम लोग इसमें, है ना। तो बताऊं भैया, कंपनी ने जब गाड़ी को डिलीवर किया तो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपए की एसेसरी पहले से लगा दी गया था। अच्छा। जिसमें जितना लगभग काम था, सारा काम भैया ने लगभग कंपनी से हो गया था। फिर भी भैया को जितना चाहिए था वो भी हुआ है। प्लस जब भैया आए थे तो इंटीरियर वगैरह जब भैया ने एक बार इमेजिन किया कि ऐसा लगेगा, तो भैया ने इंटीरियर की तरफ भी गए हैं। इसके बाद फॉग लाइट वगैरह तो आज तक अभी तक किसी ने भी लगा के नहीं दी है। अपना कंपनी ओरिजिनल भी अपने अवेलेबल है, भैया को वो भी दिखाई थी, डब्बा पैक मारुति की। पर इसमें जो भैया ने लगवाया है वो मारुति मिंडा का ही लगवाया है। अच्छा। इसके बाद भैया बात करूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। इसकी ओरिजिनल पार्सल ट्रे है वो अपनी अवेलेबल हो गई है। ठीक है। इसमें जो पीछे की तरफ स्किड प्लेट लगती है वो अवेलेबल हो गई है। जैसे ये लगा हुआ है ना, बिल्कुल ऑलरेडी भैया ने कंपनी से लगवा ली थी, पर भाई अगर किसी भी भाई को बेस मॉडल में या किसी मॉडल में चाहिए होगा तो ये अपने पास अवेलेबल है। ठीक है। बाकी इसमें जो हुआ है ML लाइट हुआ है, सीट कवर ऑलरेडी कंपनी ने लगा दिया था, बट सीट कवर में भी आपको मैं लास्ट में एक बहुत अच्छा डिस्काउंट और लास्ट में काफ़ी अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ आपको। इसके बाद पूरा इंटीरियर हुआ है, हेडलाइट में फॉग लाइट लगी है, जो हेडलाइट में मिंडा की फॉग लाइट लगी है उसमें फ्रंट की तरफ, और मतलब जितना बेसिक काम हुआ है, जितना पेस्टिंग वाला काम हुआ है, सारा काम इसमें हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए एक बार चलते हैं, पता लग सकेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भैया, उस तरफ से चलते हैं जिससे रोशनी भी आ जाए। ठीक है। लोअर विंडो गार्निश है इसकी, जो ओरिजिनल मारुति की आती है। पूरी ये 6 पीस में आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये ओरिजिनल लगी है। और ये भी ओरिजिनल से मतलब क्या है कि ना, यहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा ना, पूरा फिटिंग इसकी प्रॉपर बैठ जाती है ओरिजिनल। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ओरिजिनल ही लगाई है। ठीक है। इसमें डोर वाइजर जो है मारुति से ही लगवा रखे थे ओरिजिनल, ये अपने पास अवेलेबल है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे साइड बिटिंग आती है जो इसमें यहाँ पे क्रोम की तरफ लगती है। ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे की तरफ स्किड ब्लेड लगती है वो अपने पास ऑलरेडी अभी अवेलेबल है, मैं अंदर आपको एक बार दिखाऊंगा जरूर। ठीक है। इसके बाद बात करूँ अगर फ्रंट की तरफ, एक बार मैं बोनेट को नीचे कर लेता हूँ। इसमें एक DRL का पार्ट आता है जो ऑप्शनल है, आप लगवा सकते हैं। भैया को भी नीड नहीं थी उसकी, इसलिए भैया ने नहीं लगवाया है, बाकी ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगवा सकते हैं। यहाँ से पूरा का पूरा DRL जाता है दोनों तरफ से, जो हेडलाइट DRL होती है। ठीक है। इसके बाद फॉग लाइट अगर बताऊँ, अभी जली नहीं है, मिंडा की इसमें फॉग लाइट लगी है, बाकी इसमें जो मारुति की ओरिजिनल फॉग लाइट आती है जिसमें सिर्फ यहाँ पे LED आपको देखने को मिलता है, वो भी अपने पास अवेलेबल है। वो अगर किसी भाई को ऑप्शन चाहिए तो वो लगा सकते हैं, ये चाहिए तो ये लगा सकते हैं। इसमें बस प्रोजेक्टर नहीं लगेगा, उसके अलावा मिंडा का या मारुति का ओरिजिनल। IPS नहीं लग सकते इसमें? नहीं भैया, इसमें IPS नहीं लगेगा। कटिंग करके करें तो, कटिंग करके अगर करे तो भी लग जाएगा ना जी। अगर IPH के शेप से कटिंग करके करे तो बिल्कुल। ये छोटा भी तो आता है, 2.5 इंच का आता है ये। हाँ भैया, 2.5 इंच छोटा वाला जो IPH होता है भैया, अभी वो फिट मतलब नहीं बिठाया है, एक बार बिठा के देखेंगे, अगर वो लग जाए तो कोशिश करेंगे। बाकी ये है कि अभी जो थोड़ा सा भैया को मिड रखना था, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं कराना था, क्योंकि कंपनी में ज़्यादा कुछ भैया ने, कंपनी वालों ने डिलीवरी के नाम पे दे दिया था, तो इसलिए भैया ने मिंडा की फॉग लाइट इसमें लगवाई है। ठीक है। बाकी ऑप्शनल है, आप चाहे तो मारुति की लगवा लो या IPH लगवा लो या मिंडा की लगवा लो। ठीक है। इसके अंदर जो है, अंदर काफ़ी अच्छा काम हुआ है जिसमें इंटीरियर का और एम्बियंट लाइट का सारा काम हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए चलते हैं। तो इसके बाद भी अगर बताऊं मैं अंदर की तरफ अगर आऊं, तो इसमें जो आपको कंपनी की तरफ से ambient light मिलती है वो कुछ यहाँ की साइड आपको मिलती है नीचे की तरफ, तो ये रोशनी में काफी अच्छा आपको नजर आता है। बट अगर बात करें ambient light हमने यहाँ पे लगाई है, जो प्रॉपर इसका स्पेस है और थिकनेस भी आप देखोगे ना, प्रॉपर पूरी थिकनेस, ऐसा नहीं कि कहीं से थोड़ा लैग कर रही है, नॉर्मल पूरी प्रॉपर ambient light है। इसके बाद भी यहाँ पे आप देखोगे पूरा इंटीरियर हुआ है इसमें, जो बर्फी डिजाइन में पूरा लेदर, इसमें सॉफ्ट टच लेदर लगा है, और इसमें ऑप्शनल है, आप कैसा भी करा सकते हो जैसा आपको ऑप्शन है। यहाँ तक बर्फी दिया हुआ, फिर यहाँ पे प्लेन दे दिया। ये वाला जो क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ ना, बहुत ज्यादा टिपिकल है, यहाँ पे इंटीरियर होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पूरा ऐसा घुमा हुआ है। फिर भी जितना हो सका है हमसे, जितना पॉसिबल हो, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम इंडिया है भैया, और फर्स्ट गाड़ी जिसमें इंटीरियर हुआ है अभी तक, मुझे नहीं लगता है, या जितना मैंने देखा अभी तक किसी ने भी इंटीरियर करके नहीं डाला है। और जो हमारा ये प्रॉपर इंटीरियर भी करते हैं वो भी कह रहे थे कि भैया अभी तक किसी का भी इंटीरियर नहीं हुआ है। तो
प्रॉपर इसमें पहले तो इंटीरियर हो गया है भैया। इसके बाद VXI मॉडल है, इसमें ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से तो आपकी डोर ऑटोमेटिक यहाँ से आपका लॉक अनलॉक होता ही है, प्लस आप चाबी से भी कर लेते हैं, रिले लग जाती है, इसमें रिले लगती है, पर बेस मॉडल में आपको पूरा मिरर जो है वो चेंज होता है, ताकि ऑप्शनल है, आप दोनों में कोई सा भी काम करा सकते हो। इसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे वेलकम लाइट लगी है, फिर वही अपनी ब्रीजा वाली जो नॉर्मल लगती है, इसमें तीन चार ऑप्शनल हो चुका है, एक व्हाइट और ब्लू वाली आ रही है, वो हमने स्पेशली ऑन ऑर्डर बनवाया है, एक सिंपली व्हाइट आती है, एक ब्लू वाली है, एक विदाउट लाइट भी आती है, इसे कंपनी भी देती है। इसके बाद अंदर की तरफ जो भी एम्बिएंट लाइट का सारा काम जो है वो थोड़ा सा रह गया एक दो मिनट का, वो हो जाए, मैं आपको फिर कंप्लीट आपको एम्बिएंट लाइट दिखाऊंगा कि कैसी एम्बिएंट लाइट लगी है। ज्यादातर तो आप यहाँ से पता ही लग रहा होगा, पीछे से भी दिख जाएगा, ज्यादातर पता ही लग रहा होगा, यहाँ से भी देख सकते हो गाइस कि कलर चेंजिंग है, आप अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकते हो। उसकी ऐप आती है हैप्पी लाइटिंग करके आती है ना, हैप्पी लाइटिंग ऐप आती है, तो और ये वाले जो हैंडल लीवर आपको LEDXI में मिलते हैं ये आप चेंज करा सकते हो बिल्कुल। इसके बाद काफी सारी चीजें हैं जिसमें आप करा सकते हैं, जैसे डैम्पिंग का पार्ट होता है, इसके बाद आपका अंदर की जो ये लीवर हो गया, इसके बाद भी आपका ये वाला जो पैनल है पूरा इंटीरियर में आता है, ये भी चेंज होने का ऑप्शन है, अभी बहुत जल्दी हम ला रहे हैं आपके लिए, जिसमें आगे डैशबोर्ड है और चारों आपके पावर विंडो का पैनल है, ये आप चेंज करा सकते हो इंटीरियर के अंदर। तो मतलब कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें आ गई है, कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगी जल्दी जल्दी, बाकी इसमें भी जो एक मीडियम काम आप कह सकते हो, पर क्वालिटी चेक करना कि जितना भी काम था भैया ने थोड़ा सा कम काम कराना, बजट में मॉडिफाई हुई, बजट में मॉडिफाई हुई है, थोड़ा सा कम काम कराना था, फिर भी जितना काम हुआ है वो सारी क्वालिटी आप चेक कर सकते हो किस तरीके से। तो भाई यहाँ से चेक कर सकते हो, सीट कवर्स भी जो इंस्टॉल हुए हैं इधर आपको दिख रहे होंगे, हेडरेस्ट इसमें आता है बट LXI वाले में जो आप लगवा सकते हैं ना हेडरेस्ट, एक्चुअली भैया सीट कवर हमने इंस्टॉल नहीं किए, नहीं नहीं, पर मैं हेडरेस्ट बता रहा हूँ, आप लगवा सकते हैं। हेडरेस्ट का भी मैं आपको बता दूँ भैया, मेरे पास अभी नीचे आप फैक्ट्री में जाओगे जो आप लास्ट टाइम भी गए थे, किसी को अगर ये हेडरेस्ट लगवाने हैं ना तो यहाँ पे इसको ड्रिल होता है, उसके बाद हेडरेस्ट होते हैं, छेद नहीं होता आपका LXI में, पर ये पूरी जो सीट है ये सीट चेंज करने का ऑप्शन ले दिया है, आप पुरानी सीट दे दोगे और नई सीट पूरी जो पूरी सीट है वो अपने पास आ गई है, किसी को अगर LXI VXI वाली चाहिए वो अवेलेबल है, किसी को ZXI प्लस वाली जो बीच में आमरेस्ट आता है और 60-40 आता है वो भी अपने पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से और किस तरीके से चेंज करा सकता है। सो गाइस ये तो देखो चीज़ें थी गाड़ी में मॉडिफाई जो हुई हैं, एम्बिएंट लाइट बीच में लग रही है, तो अगर जब तक हम लोग आए नीचे से तब तक कंप्लीट होगी, तो बाकी ये ऐसे लगेगी, यहाँ से आप देख सकते हो। मेन है अब एसेसरीज दिखाना कि कौन सी एसेसरीज अवेलेबल है, तो नीचे फैक्ट्री में वो ठीक है, एक बार फैक्ट्री में चलते हैं और एसेसरीज देखते हैं कि कौन सी हैं जो आ चुकी है ना। बिल्कुल चल गाइस यहाँ पे आ चुकी हैं ब्रेजा 2022 की एसेसरीज अपने पास, और पूरे MGP के डब्बे रखे हैं, तो बताओ भैया क्या कुछ है। सबसे पहले भैया अभी ये है, ये आधा है, आधा दुकान में ऊपर, ये सारा जो है इसका आर्मरेस्ट है, तो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ एक बार, ओरिजिनल जो आता है मारुति का आर्मरेस्ट वो है भैया इसमें सारा का सारा, जिससे तो ये ब्रेजा का ही है। जी जी ये ब्रेजा का ही है प्रॉपर, और आप कह सकते हो भैया ऊपर वाले का आशीर्वाद, थोड़ा सा मेहनत कि इतना क्वांटिटी में और प्लस इस टाइम पे भी इतना कुछ अवेलेबल हो गया है यहाँ पे। मैं स्पेशली अभी आपके सामने ही बोल रहा हूँ भैया, अच्छा अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, किसी गाड़ी में इंस्टॉल नहीं हुआ है, मैंने भी गाड़ी वाले भैया को बोला था, क्योंकि ये सिर्फ ZXI प्लस में ही आता है, उसके अलावा और एडजस्टिंग वाला है, ये भी मॉडल में नहीं आता है भैया, तो यहां से राइट ये एडजस्टिंग वाला है, और आपको एक बार दिखा भी दूं इसमें एक बार, इसमें ना AC के डग, क्योंकि AC हर मॉडल में आता है, पूरा का पूरा यहाँ पे AC के डग हैं जो प्रॉपर AC वर्क करता है हर मॉडल में, और सबसे बड़ी बात है जो पुराने मॉडल में जो आर्मरेस्ट आता है ना वो गोल आता है, इसमें आप देखोगे ऐसे तिकोन तीन ऐसे मुंह होते हैं इसके, और ये पूरा आपका एडजस्टिंग वाला है अगेन, इसके अंदर जैसे टॉप मॉडल में जो ZXI प्लस मिलता है सेम वही है, और मारुति ओरिजिनल बताने की जरूरत ही नहीं है, MGP आपको ओरिजिनल है। इसके बाद भैया मिल गया जिसके बारे में आपको बता रहा था, वो सीटें ये रखी हुई है भैया, ये अपनी जो ओरिजिनल कंपनी की सीटें है ना वही सीटें हैं भैया, ये आपका ZXI प्लस में आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको बीच में ग्लास होल्डर भी होता है, जिसमें ग्लास आप रख सकते हो, और यहाँ पे आपको रिमूवेबल हेडरेस्ट जो ZXI प्लस में आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल ये है, और ये तो आपका ZXI प्लस में, अगर किसी को ये चाहिए ये भी अवेलेबल है, और इसके पीछे आप देख लो ये वाला ये LXI में बन रहा है, ये आपका जो ऊपर अभी आपने देखा है VXI वैसे उसमें आपको मिल जाता है, दोनों है सिंपल, ये दोनों चेंज करके मतलब वो सीटें रखी और दोनों चेंज हो गया सीधा सीधा। इसके अलावा आप अगर बात करें मिरर की, जो ऑटो फोल्ड हमारे ऑटो एडजस्ट प्लस ऑटो फोल्ड जो मिरर आते हैं,
LXI के लिए, वो अपने पास यहाँ पे अभी आ चुके हैं अपने पास। आपके सामने भी अभी ओपन कर रहा हूँ ये ऑलरेडी, पहले से अभी अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी ये गाड़ी थोड़े दिन पहले आई है और अभी इतना ज़्यादा डिलीवरी भी नहीं हुआ, बेस मॉडल का डिलीवरी भी नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे चेक करो, ये अपना बेस मॉडल में जो नहीं आता है बिल्कुल, वो पूरे आपके मिरर हो गए यहाँ पे और कम्प्लीटली। कई लोग ऐसे हैं जो बेस मॉडल में ना मोटर लगा के और उसमें कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ऑटो फोल्ड हो जाए, वो कामयाब है पर बहुत लॉन्ग टाइम तक कामयाब नहीं है क्योंकि उसकी मोटर की गरारी होती है, वो गरारी कितने टाइम चलती है कितनी नहीं चलती कोई आइडिया नहीं है भैया। बाकी यहाँ पे अगर पीछे की तरफ आप देखोगे ब्रीजा के काफ़ी सारे सीट कवर हैं जो रेडी हो गए हैं, हो भी रहे हैं। तो इसके लिए भैया पर्टिकुलर वीडियो, बहुत लंबी वीडियो नहीं करूँगा, पर्टिकुलर वीडियो ऑटोनिक ऑफिशियल पर जाके देख सकते हो कभी भी आप मन चाहो देखना, क्योंकि अपना छोटे भाई का चैनल है तो रिक्वेस्ट ये कि एक बार जाके जरूर देखो। और बाकी जो एसेसरी है वो जितने भी क्रोम आइटम है सब ऊपर है, तो मैं शॉप तो पे आपको चल के दिखाते हैं। तो फाइनली भैया आ चुके हैं शॉप पे, यहाँ पे थोड़ी सी राहत है। सबसे पहले तो आप देखो जो अपना ब्रीजा का फ्रेम आता है ना, वो फ्रेम है, इसमें दो ऑप्शन अवेलेबल है, ये मैट वाला है और कल ही बस सुबह सुबह हमारा 50 पीस जो ग्लॉसी वाला है वो आने वाला है। और इसका भी भैया जो कपलर टू कपलर बोलते हैं ना, ये आपका एंड्रॉइड का कपलर होता है और ये आपकी गाड़ी में जो आता है वो दोनों कपलर सॉकेट सिंपली सॉकेट टू सॉकेट लग जाता है, ठीक है। इसके बाद भैया एक एक करके ना स्पेशली मैं MGP चीज आपको जरूर दिखाऊंगा क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि लोग यही सब टेंशन लेते हैं कि यार हम ले तो रहे हैं बेस मॉडल, टॉप मॉडल वाला काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर टॉप मॉडल वाला नहीं भी हो पाए तो कम से कम चीजें गलत ना लगे कि हर 4-6 महीने में परेशान होना पड़े, 4-6 महीने में पैसे भी लगे, टाइम भी लगे, एनर्जी भी लगे। अब सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों का टाइम, जो टाइम वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको MGP चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो भैया अभी लगभग ना ऐसे पूरा रखा हुआ है सारा, यहाँ पे पूरा ऐसे डब्बे सारे रखे हुए, तो एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये भी अपना यहाँ पे इसके अंदर जो फ्रंट की अपनी स्लाइडिंग आती है, फ्रंट की और बैक की भी है दोनों ही है, ये टॉप एंड वेरिएंट्स वाली है ना, ये टॉप एंड वेरिएंट वाली है और स्पेशली जो डबल टोन में गाड़ी आती है उसके लिए ये है स्पेशली, जैसे रेड एंड ब्लैक कलर में गाड़ी आ गई या फिर जो सिल्वर या ब्लैक में आ गई उसके लिए स्पेशली ये आप लगवा सकते हो, कोई भी आके भाई लगवा सकते हैं यहाँ पे। और एक भैया ये है जो बैक साइड के लिए है, ये फ्रंट साइड के लिए, ये बैक साइड के लिए, बैक साइड के लिए अपना ये सिंगल पीस में आती है, ठीक है, सिंगल पीस में आती है। और ये फ्रंट साइड के लिए जैसे इसमें लगी हुई भी है, यहाँ पे तीन पीस में लगी हुई नीचे, ठीक है, यहाँ पे आता है और इसमें दो पीस और आते हैं नीचे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा दोनों पार्ट है, इसमें आप कोई भी लगवा सकता है भाई आके हमारे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें भैया यहाँ पे छोटी छोटी जितनी एसेसरी होती है ना, नॉर्मल छोटी छोटी काफी सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ भैया। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा था ओरिजिनल मारुति की फॉग लाइट, वो ये है जिसमें दो LED आती है नीचे की तरफ, बट ब्रेजा की तो थोड़ी डिफरेंट है ना, जो एक इतनी स्क्वायर सी आती है, स्क्वायर सी आती भी है, यही लगती है उसमें, अच्छा लगती है सेम स्क्वायर वाला पार्ट वो बाहर से दिखता है, अच्छा ठीक है, तो होती यही है बेसिकली, इसमें जो लगी है वो मिंडा की जो लगी है वो पूरा शेप गोल वाला शेप भी लगा है पर ये वाला पार्ट ही सिर्फ दिखता है। तो ये जो है स्पेशली हमें भी यही था कि यही लगती है जैसे आप कह रहे हैं वैसे, क्योंकि वो बाहर से इतना सा दिखता है उसके फ्रेम में से, तो हमने भी जब कंफर्म किया कंपनी में तो उन्होंने बताया कि लगेगी यही, बाकी ऑप्शनल है कि आप कोई सी भी लगा लो मिंडा की यही, ठीक है। उसके बाद भी अगर बात करें नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे है व्हील आर गार्निश, मतलब गार्निश की अगर बात करें छोटी छोटी बहुत सारी गार्निश है जो मैं अगर खोल के दिखा दूं, ये आपके दोनों साइड में लगता है जो, ठीक है। इसके बाद मतलब एक ये आपका स्विच हो गया, ठीक है, जो आता है कंट्रोल का, काफी सारी चीजें मतलब कहने का मतलब ये कि एसेसरीज ऑलमोस्ट सारी आ गई है, सारी ऑयल से लेके जितनी चीजें आती हैं ऑलमोस्ट सारी चीज आ गई है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मिरर आपको नीचे बता दिए, ये सारे भी है सिर्फ मड फ्लैप है, ठीक है, इसमें जो सारे मड फ्लैप है ये कंट्रोल है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। इसके बाद अगर बात करें भैया यहाँ पे स्किड प्लेट है जो पीछे रियर की है, और ये भी आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये भी मारुति ओरिजिनल ही है। आफ्टर मार्केट चीजें आने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे पर आफ्टर मार्केट ओरिजिनल चीजों में बहुत डिफरेंस है। हाँ, ये तो है। यहाँ पे है ये एक दिन पहले आप बता देना कि आपके ये कलर है और आप नेक्स्ट डे आ रहे हो, सिंपली आपको मिल जाएगा। इसके बाद भैया जो डोर वाइजर होते हैं, मतलब
पुरानी वाली जो ब्रीजा होती है और नई वाली ब्रीजा का डिफरेंट है, उसमें उसका इसमें नहीं लगेगा। तो सिर्फ इसीलिए आप डोर वाइजर देखोगे ओरिजिनल, ये भी MGB विदाउट क्रोम जो मैंने आपको इस गाड़ी में भी दिखाई थी, और इसमें भी यहाँ पे ना पूरा लोगो आता है, एक साइन आता है अलग से मारुति का। उसके बाद क्रोम वाले अगर बात करूँ, क्रोम वाले भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये डोर वाइजर क्रोम वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर अपना सारी चीजें, अगर मैं बात करूँ भी सारी जितनी चीजें, एक छोटी से छोटी चीजें आती है, अभी इतनी सारी चीजें हैं, लगभग 50 तरह की चीजें, तो मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं करना चाहूंगा और बहुत सारी चीजें जो है वो इतना नहीं दिखा पाऊंगा। बस ये बोलूंगा कि जो भी MGB एसेसरी लेने आएगा हमारे पास या MGB चीज लगवाने आएगा, उनको भी 25% MRP पे लेस, 25%। देन सेकंड चीज, आज भैया 14 तारीख है, 15 या 16 तारीख को जो अपनी न्यू ब्रीजा में सीट कवर लगवाने आएगा, 15 या 16 तारीख को, उनको सीधा 50% ऑफ। अच्छा, दो दिन के लिए इतना ज्यादा ऑफ? 50% कैसे दे रहे हो इतना ज्यादा ऑफ? भैया आप ये समझ लो कि गाड़ी इतनी अच्छी है ना, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि गाड़ी में ना कुछ नेक्स्ट लेवल पे काम करें, कुछ ऐसे काम करें कि लोगों को लगे हाँ यार काम किया है। तो इसीलिए सिर्फ जो भी सीट अपना, आपको पता है सीट कवर हमारी रीढ़ की हड्डी, और सीट कवर सबसे ज्यादा अच्छा ना, हर किसी से चैलेंज है, इसमें कोई अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकता हमारे से ज्यादा। तो मतलब MGP जितनी भी है 25% और 15 और 16 तारीख दो दिन का स्पेशल ऑफर है, जो भी सीट कवर लगवाने आएगा सीधा 50% का ऑफर। तो भैया अच्छा ये तो बता दो आना कहाँ पे? भैया ऑटो यूनिक पे आना है, ठीक है। हनुमान मूर्ति आप जो 108 फीट वाली है, वहाँ से आप मेट्रो के नीचे नीचे आओगे, सीधा मेट्रो के नीचे नीचे आओगे, पिलर नंबर 92 है, वहाँ से आप जस्ट राइट लोगे 50 मीटर आगे आपको यहाँ पे सामने आप आ जाओगे और राइट साइड में आपको शॉप मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करो भैया जो बेस मॉडल में या फिर अगर उससे ऊपर मॉडल में कोई एंड्रॉइड लगवाना चाहता है, अपने पास सारी वेरायटी, स्पेशली आप अगर बात करो जो निपॉन का आता है अपना 9 प्रो है, 9 प्रो इसमें एक आता है एप्पल कारप्ले वाला, वो सारे एंड्रॉइड अवेलेबल है यहाँ पे। अपना एक काफी अच्छा ब्रांड है हाइपरसोनिक, काफी अच्छा माना जाता है, चीज भी काफी अच्छा है, वो अपने पास अवेलेबल है। ब्लू पंक है ज्यादातर लोग लगाते हैं, अपना डैप्स का है, इसका जिमर है, काफी एंड्रॉइड है जो अपने अवेलेबल, जिसको जो भी चाहिए, स्पीकर वगैरह हर चीज अपने पास अवेलेबल है। इसमें भी अगर आप देखोगे ना, अगर MRP पे जाओगे, किसी को अगर थोड़ा सा ऐसा लगता है यार कि क्या बजट आएगा क्या प्राइसिंग आएगा, तो 30-40% आपको इसमें भी ऑफ मिल जाएगा। बाकी छोटी मोटी जितनी एसेसरी होती है आप इजिली आके, आप बहुत ज्यादा प्राइस की नहीं होती, 300-400 हजार रुपए से नीचे होती है, तो आप आके सीधा कंपेयर करके अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। अब चलते हैं भैया थोड़ा सा आगे के अंदर, लाइट दिखा देते हैं, लाइट का क्या लुक आ रहा है और सारा इंटीरियर का पार्ट देखते हैं सारा क्या लुक आ रहा है। चलो तो भैया फाइनली गाड़ी में भी आ गए हैं, और गाड़ी में आप देखोगे जो आज इसमें सबसे ज्यादा अच्छा काम हुआ है वो हुआ है इसमें ML लाइट का। टॉप मॉडल में भी कंपनी ML लाइट देती है भैया, पर एक बार आप इसका लुक देखो, लग रहा है हाँ ML लाइट लगा है। आप यहाँ से पूरा कंप्लीट चेक करोगे, और ये भी भैया मल्टी कलर में, ये ना 84 कलर, ये फोन है मेरे पास एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए है ये, और पूरा फोन से आप जैसे भी आप कंट्रोल करना चाहो, जो भी आप कलर करना चाहो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है भैया ये वारंटी में, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ML लाइट लगा के वायरिंग कटिंग तो नहीं जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, वारंटी में होती है 1 ईयर वारंटी में। और भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभी बारिश हो रही है फिर भी आप कंप्लीटली वीडियो शूट कर रहे हो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाला जो कहता है ना साथ देता है, तो वो आपके रूप में आके हमें साथ दे रहा है। तो बस यही है कि जो कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा काम करके बेस्ट तरीके से दे सकें, इसी वजह से लोग भी हमारे पास दूर दूर से आते हैं। आप एक बार चाहे तो जाके ना बलिनो का रिस्पॉन्स आप चेक करिएगा, जितनी भी वीडियोस चली हुई है मिश्रा ब्लॉग भाई के चैनल पे, अपने यूट्यूब ऑटो यूनिक पे चैनल पे, मतलब लोगों ने, सच बोल रहा हूँ, दिल से रिव्यू दिया हुआ है। यही बात बोलता हूँ बस कि अच्छे से अच्छा काम करेंगे तो ऊपर वाला जरूर फल देगा। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी इंटीरियर एक बार आप जरूर दिखा दो भैया, जिसमें कम्प्लीट पूरा इंटीरियर हुआ है लाइट जला के, ये जो पूरा पार्ट है इंटीरियर का, ये उसमें पूरा लेदर, सॉफ्ट टच लेदर लगा है, इसमें भी बर्फी पूरा बना है। ये वाला जो पार्ट है इतना इजी नहीं था करना, पर ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है भैया। इसके बाद जो मैक्सिमम काम था वो भैया ने कंपनी से करवा लिया था, और जितना भी काम है आपके सामने में है, बाकी थोड़ा सा कस्टमर के पास भी लेके चलूंगा सारा काम किस तरीके से जानूंगा। अभी तक तो देख अभी काम कराया है, बाकी यूज करके बता पाएंगे ना। भैया पहले तो आप मुझे बताइए कि जब आप आए थे तो आपका मतलब मन था कि काम ज्यादा कराना है कम कराना है थोड़ा सा? भाई तब हम आए तब आप सो रहे थे जी भैया, हमने आज आपको उठाया है। बहुत जल्दी आ गए थे भैया, हमने उठाया, अब हमें नींद आ रही है, फ्री नहीं कर रहे, ये बदला ले रहे हैं ना कि आपने उनको उठाया सोने के लिए। काम भाई काम हम सेटिस्फाई है, बढ़िया काम किया है। आए कहाँ से वैसे आप? भाई मैं गुड़गांव से आया। गुड़गांव से आया, काम बढ़िया किया है, बाकी अभी यूज करेंगे तो पता चलेगा, अभी एक दिन में तो पता नहीं चलता। ML लाइट और इंटीरियर अभी अभी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।